गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सारे लोग काफी अच्छे हैं। कैसी है हमारी छोटी सी पलटन? आ जाओ यार फटाफट, अपने दोस्तों को बुला लो, सारे लोग आ जाओ बच्चा पार्टी। हाँ जी बच्चों, लैक सर, ये तो यार मतलब थोड़ा सा ना प्रॉब्लम सा हो गया कि ठीक है जब मैं आऊं तो लैक स्टार्ट हो जाए। हेलो हेलो हेलो, एक सेकंड होल्ड करो यार, एक सेकंड होल्ड करो, चेक करने दो बेटा, एक मिनट बाद मिलता हूं। हाँ जी बच्चों, अभी तो लैग नहीं हो रहा है, आई गेस, है ना बेटा? आवाज आ रही है मेरी? हाँ, लैग तो नहीं हो रहा, आवाज को जरा बिल्कुल स्लो कर देते हैं, आप लोगों से देख लेते हैं। जी, नाउ इट्स ऑल क्लियर, ओके। तो कैसी है हमारी छोटी सी पलटन, फटाफट बताइए बच्चों, कैसे हो आप लोग? और फटाफट अपने फ्रेंड्स को बुला लो यार, बच्चे बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? ओके, सो गाइस, जब तक धीरे धीरे बच्चे आते हैं हमारे पास, असल में पहले बता दूं बेटा, आज मेरी थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो आज हम सेशन को बड़ी जल्दी खत्म करेंगे। मैं बस इसलिए आया हूं आपके सामने के क्योंकि कल भी नहीं आ पाया था, और आप लोगों को लग रहा होगा सर क्यों नहीं आ रहे, लेकिन थोड़ी सी बॉडी में वीकनेस है क्योंकि फास्टिंग पर है ना, तो इसीलिए बच्चों कल भी क्लास नहीं हो पाई थी, बट कोशिश करेंगे कि आज जितनी देर तक खींच सकते हैं उतनी देर तक खींचेंगे, उसके बाद आपसे मुलाकात करेंगे कल, और सैटरडे संडे जब आपकी क्लास नहीं भी होती है तब भी आपकी क्लास को स्ट्रेच में खींच दिया जाएगा, डोंट वरी बच्चों। सो बच्चा पार्टी, वेलकम टू माय क्लास, माय नेम इज विनोद कुमार एंड दिस इज इन फ्रंट ऑफ यू, आई एम सीईओ एट दिस रनिंग स्कूल प्रोजेक्ट और विजिटिंग फैकल्टी एट एलन रोहतक। खैर ये तो आप डेली जानते हो बच्चे, ये तो आपको पता ही है, पता क्या नहीं होगा या पता भी होगा, अनअकैडमी पर आस्क अ डाउट फीचर का ये आया हुआ है बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? और आप अनलिमिटेड डाउट्स पूछ सकते हो किसी भी समय पर। यहां पर अगर आप देखोगे बच्चे तो कैसे डाउट पूछते हैं, सारे स्टेप्स दे रखे हैं, आप देख सकते हो बच्चे, ये सारे स्टेप्स के थ्रू आप सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हो बच्चे। अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ आप अनलिमिटेड कोर्स को एक्सेस कर सकते हो टीचर्स के थ्रू, है ना बच्चों? घर पे बैठे बैठे बस कोड यूज करना है वीके आर्मी, और आपको सब्सक्रिप्शन लेना है बेटा। बच्चा पार्टी, ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है जहां पे आपको अपना मेंटोर मिलता है, कभी अगर हम भटक जाए तो वो मेंटोर जो है हमें रास्ता बता रहा होता है, और इसका भी आपको वीके आर्मी करके ही सब्सक्रिप्शन लेना है, ठीक है बच्चे? ये मेरा कोर्स है जो टीटीएस में चल रहा है। मुझे आज एक बच्चे का मैसेज आया कि सर आप जो है थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, तेज पढ़ा रहे हैं। इट्स ओके बच्चों, मैं अपनी स्पीड को दोबारा धीरे कर दूंगा, और आप लोगों के लिए गुड न्यूज ये है बच्चे, आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज है, यहां पर ऐड कर देता हूं, गुड न्यूज फॉर यू, ये रहा गुड न्यूज बच्चे। क्या गुड न्यूज है? गुड न्यूज ये है बेटा कि आप लोगों के लिए 2 आवर प्लस 2 आवर, ठीक है ना, इसके 2 सेशंस लेके आऊंगा, इसके 2 सेशंस लेके आऊंगा जिसमें मैं आपको रिवाइज कराऊंगा चैप्टर 1। वो बच्चे जिसका बैकलॉग छूट गया था या जो नहीं कर पाए थे मेरे साथ, वो मेरे साथ ये करेंगे। ये कहां पर होगा बेटा? ये प्लस सेशन पर होगा, ठीक है? वैसे तो 4 सेशन होंगे, लेकिन 2 सेशन इस महीने होंगे और 2 सेशन अगले महीने होंगे, तो बच्चे इस सेशन के लिए भी आप जो है ये फायदा होगा आपका, है ना बच्चों? ये फायदा होगा, अभी 2-4 दिन में ही आपको पता चल जाएगा इसका, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये कुछ बैचेस है, ये बहुत सारे बैचेस आपके लिए लॉन्च हो रहे हैं, हर मंडे आपके लिए बैच लॉन्च हो रहे हैं, बस आप इस कोड को यूज करिएगा बच्चे,
आज भी रात को 10 बजे से 11 बजे तक आपका स्पेशल क्लास है बच्चे, उस स्पेशल क्लास को ज्वाइन करना मत भूलना बेटा। समझ में आ रहा है? जी प्लस पर होगा। तो चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं अपने इस प्यारे से लेक्चर की, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड का पार्ट टू, जिसका नाम है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का पार्ट टू, है ना बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट टू। बच्चे असल में क्या है ना, असल में आप लोगों ने मेरे साथ लास्ट क्लास में, ठीक है, असल में आप लोगों ने मेरे साथ लास्ट क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, और उसके बाद आपने अलग अलग क्वेश्चंस भी कर लिए थे मेरे साथ इलेक्ट्रिक फील्ड्स के, राइट बच्चों। आज भी ऐसा ही कुछ करना है, कुछ पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर एक क्वेश्चन देता हूं ताकि आप लोगों का पिछला वाला भी रिकॉल हो जाए, और फिर हम आगे बढ़ेंगे बेटा। फिर आज हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज को, ठीक है बच्चों। तो चलिए आप लोगों का सबसे पहला जो क्वेश्चन है बेटा कि एक ऐसा आपका एक स्क्वायर दे रखा है बेटा, एक ऐसा एक स्क्वायर दे रखा है, इधर क्यू चार्ज है, ठीक है, इधर आपका माइनस टू क्यू चार्ज है, इधर आपका प्लस टू क्यू चार्ज है, और इधर भी आपका प्लस क्यू चार्ज है, राइट बच्चे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और जो क्यू की वैल्यू है वो 1 माइक्रो कूलम्ब है। आपको मुझे फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर बेटा। आपको मुझे स्क्वायर के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है। तो चलिए बच्चों जरा ट्राई करिए, साइड की लेंथ जो दे रखी है बेटा उसको आप 10 सेंटीमीटर ले लो। द लेंथ ऑफ द साइड इज 10 सेंटीमीटर बच्चे, द लेंथ ऑफ द साइड इज 10 सेंटीमीटर। एक बार आप लोग ट्राई कर लो इसको, मैं आपको 2 मिनट का समय दे रहा हूं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन आप लोग लेक्चर को लाइक करना मत भूलिएगा बच्चों, लेक्चर को लाइक करना बहुत जरूरी है। चलिए बच्चा पार्टी फटाफट आप ट्राई करिए, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा। जी बच्चों बायो की भी क्लास है 10 बजे बेटा। अब ये तो देखो थोड़ा सा आपको रेस्ट, मतलब ये चूज करना पड़ेगा वेदर यू हैव टू टेक बायो क्लास और वेदर यू हैव टू टेक फिजिक्स क्लास, आपको जरूरत कौन सी क्लास की है ये थोड़ा सा आपको देखना होगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं हो रहा है तो बच्चे टेलीग्राम ग्रुप कोई बच्चे से या लिंक ले लो, कोई बच्चा दे देगा आपको लिंक। देखो बेटा ये जो क्वेश्चन है ना इसको कैसे कर सकते हैं हम लोग, मैं वो बता देता हूं आपको। सेंटर पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है बेटा, तो किस तरीके से बताएंगे उस चीज को सोचो। ये 1 माइक्रो कूलम्ब जो है बच्चे ये इस सेंटर पर क्या करेगा भाई, अगर पॉइंट चार्ज मान के चल रहे हो तो ये इधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, राइट बच्चे और साथ ही साथ में ये प्लस टू वाले का इधर होगा, है ना बेटा, प्लस टू वाले का इधर होगा, तो इसको आप E1 मान लो और इसको आप E2 मान लो। सिमिलरली बच्चे ये प्लस क्यू वाला क्या करेगा, ये इसको उधर को रिपेल मारेगा और ये जो माइनस टू क्यू है वो उस पॉइंट चार्ज को अट्रैक्ट मारेगा, ये उस पॉइंट चार्ज को अट्रैक्ट मारेगा, ठीक है ना बच्चे। तो अब बेसिकली क्या होगा यहां पर आप A3 और E4 ले लो, राइट, E3 और E4 ले लो। अब आप पहले तो E1 की वैल्यू निकाल लो, अगले पेज पे बढ़ रहा हूं। पहले तो आप E1 की वैल्यू निकाल लो, कितना आएगा बच्चे E1, ये रहा KQ, अगर ये 10 है तो ये क्या होगा 10√2/2 बेटा, जिसका मतलब हो गया 5√2, जिसका मतलब क्या हो गया 5√2। लेकिन आप KQ ले लो, फिलहाल आप इसको R मान लो बच्चे, भाई सारे डिस्टेंसेस तो सेम ही है, तो आप क्या करेंगे E1 इज लाइक के क्यू बाय आर का स्क्वायर, ये E1 है बच्चे, और ये जो 2Q वाले ने इधर को लगाया वो E2 है बेटा, तो आप क्या करोगे E2 ले लेंगे विच इज
2k cube by r square बेटा, which is 2k cube by r square. अब ये same line के along है, नीचे a1, ऊपर e2, लेकिन e2 बड़ा है e1 से, तो e net क्या होगा बच्चे? E net क्या होगा? That will be e2 minus e1, जो basically होगा बेटा k cube by r square, या you कहो 2k cube by r square में से k cube by r square minus किया, तो answer k cube by r square बचा. तो अगर इसी square को मैं यहाँ पर एक बार फिर से बना लूँ बेटा, एक बार फिर से बना लूँ, तो आप कहेंगे सर ये plus q, इधर से आपका minus q, right? Plus q minus, sorry, plus q minus 2q plus q, right? ऐसे करके plus q minus 2q और इधर आपका plus q. ठीक है बच्चे? इधर वैसे ना, वैसे आप पता है क्या करो? वैसे आप इस वाले को ना, वैसे आप इस वाले को माइनस क्यू ले लो तो ज्यादा आसान हो जाएगा. इस वाले को आप उल्टा माइनस क्यू ले लो, ठीक है ना बच्चे? तो ये e3 वाला जो है, ये जो e3 वाला है, ये इधर ना होके ये e3 वाला इधर ही हो जाएगा, ताकि हमारा आंसर भी करेक्ट आ जाएगा, काफी आसानी से आ जाएगा. तो आपका e1 k cube by r square हो गया, e2 minus e1 k cube by r square हो गया. यानी कि अगर आप देख पा रहे हो तो इसने इधर को करा था plus 2q, इसने इधर को करा था, तो ये तो e net हो गया जो कि k cube by r square आ रहा है, right बच्चों? ठीक है, इसको आप minus q ले लो, ठीक है ना, इसको आप माइनस क्यू ले लो. ये क्या कर रहा है? इधर को अट्रैक्ट कर रहा था, ये इधर को, ठीक है, इसका भी इधर को बढ़ेगा, इसका भी ऐसा ही होगा बेटा. तो अगर मैं इसको e net डैश ले लूं, अगर इसको e net डैश ले लूं, तो वो भी आपका क्या होगा? k cube by r square ही होगा, क्योंकि इसकी वजह से 2k cube by r square, इसकी वजह से k cube by r square कैंसिल आउट होगा, है ना बेटा? सर प्लस 2q होगा, कहां पर प्लस 2q होगा? माइनस प्लस तो 2 ही तो है, 2 माइनस इतना तो प्लस k cube by r square, है ना बच्चे? ऐसे करके चलो. तो यहां पर क्या होगा बेटा आपका, यहां पर क्या होगा? इधर प्लस 2q माइनस 2q प्लस q माइनस q, ठीक है. अब देखो ये ऐसे है, ये ऐसे है, अब इनका कहीं ना कहीं, इनका कहीं ना कहीं नेट तो निकालना पड़ेगा, जो बिल्कुल ऐसे होगा बेटा. और इनको बीचों बीच कितना एंगल है? 90 डिग्री, क्योंकि स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है ना बेटा? समझ में आया कि नहीं आया? तो e नेट क्या होगा बच्चे? e नेट क्या होगा इन दोनों का? आपका अगर इसको e e मान लूं, अगर इसको e का स्क्वायर प्लस e का स्क्वायर मान लूं, तो दूसरा तो 2e स्क्वायर cos 90 हो जाएगा बेटा, जीरो, यानी कि e रूट 2, यानी कि कितना बेटा? यानी कि e रूट 2 हो गया. यानी कि आप कह सकते हो e net बराबर e कितना है बच्चे? k cube by r square into root 2. अब बस आपको बेटा कुछ नहीं करना है, अब बस आपको यहां पर values put करनी है. मैं एक बार अगले पेज पे आता हूं, फिर वापस आ जाऊंगा. तो e net आपका आया बेटा k cube upon r square का root 2, k की value 9 into 10 की power 9, q की value 1 into 10 की power minus 6, r कितना था? 5 root 2 into 5 root 2, लेकिन सेंटीमीटर में था, मीटर में कन्वर्ट करना जरूरी है, ऊपर root 2 भी आ गया. तो बच्चे यहां से मान लो इसको एक root 2 से एक root 2 कैंसिल आउट हो गया. अब भाई इसको कैलकुलेट कर लेना, बस इतना न्यूटन पर कूलम आपका आंसर है बेटा, बस इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लेना, इतना न्यूटन पर कूलम आपका आंसर है. सो गाइस, इज इट क्लियर टू यू? क्या आप सभी बच्चों को समझ में आ गया बेटा? क्या आप सभी बच्चों को समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूं बेटा? 2022 के सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है, 2022 के सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है. बस आप लोग मुझे ये बता दो कि आपको ये सब समझ में आया कि नहीं आया. जी बच्चों, जी बच्चा पार्टी, टेल मी, वेरी गुड. तो अगर आपको नोट डाउन करना है बच्चों, तो एक बार नोट डाउन कर लो बेटा ये क्वेश्चन को, एक बार नोट डाउन कर लो ये क्वेश्चन है, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लो. तब तक मैं एक ग्लास पानी पी लेता हूं, है ना बच्चे? तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं. जी जी जी, आप नोट डाउन करिए. चलिए अगले पेज पे आ जाता हूं, इसको भी नोट डाउन कर लो बेटा, आप इसको भी नोट डाउन कर लो. चलिए बच्चों बड़े आगे, आगे बड़े बच्चों.
धन्यवाद बेटा सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बच्चे, बस आप लोगों को पढ़ाई करनी है तरीके से, है ना। ओके, तो ये तो आपने कर लिया बच्चे, तो अब क्या होगा ना बेटा, अब हम आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर। किसके ऊपर बेटा? अब हम आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर। सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है बच्चे? अब हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर आ रहे हैं, तो क्या है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इसकी प्रॉपर्टीज? तो असल में बेटा, असल में पहले के टाइम पे फराडे जी जो है ना हमारे, उन्होंने इसके बारे में कुछ कुछ कहा था। उन्होंने कहा था कि सर ये जो है ना, these are imaginary lines which shows the direction of electric field। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है बेटा कि direction of electric field इसका मतलब है बच्चे कि ऐसी imaginary line जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाती है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेटा। उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं बच्चे। आई गेस आपको समझ में आ रहा है। तो बेटा ये क्या है भाई, मेरी बात को गौर से सुनना। इसकी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज बताऊंगा मैं आपको। आपने शायद एक बार 10th क्लास में रिफ्लेक्शन वाला टॉपिक किया था बेटा, वहां ऐसा सरफेस होता था, रेज आती थी, ऐसे टकराती थी नॉर्मल से, और ये वापसी ऐसे आ जाती थी, और ये वापसी ऐसे आ जाती थी बेटा। तो ये असल में एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ करता था, ये रिफ्लेक्शन हुआ करता था, ठीक है बेटा। तो ये क्या है बच्चे, ये क्या है आपका इंसिडेंट रे, ये क्या है आपका रिफ्लेक्टेड रे, एंड व्हाट इज दिस? दिस इज नॉर्मल। तो बच्चे ये जो नॉर्मल है ना, ये असल में कोई रे नहीं हुआ करती थी, ये असल में बच्चे आपका इमेजिनरी लाइन है। तो सिमिलरली बच्चे ये इमेजिनरी लाइंस है विच शोज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये वो इमेजिनरी लाइंस है जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमें शो कर रहा है। समझ में आया बच्चों? राइट बच्चों, तो चलिए बच्चों भाई इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में आते हैं। किसकी प्रॉपर्टीज? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अच्छा एक और बात बता दूं, इसको लाइंस ऑफ फोर्स, इसको फोर्स लाइंस भी कहा गया था, लेकिन ज्यादा अच्छा हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लगा, इसलिए हमने ये लिया। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बच्चे क्या क्या प्रॉपर्टी है जरा सुनना। पहली प्रॉपर्टी को सुन लेते हैं बेटा। तो पहली प्रॉपर्टी हमें क्या बोलती है बच्चे, ठीक है। गुड इवनिंग सर, सर अब तो 11th में आ गया, अब तो पढ़ा दो। सौरभ बेटा मंडे ऑनवर्ड्स डेफिनेटली आप लोगों के लिए नया बैच लॉन्च होगा क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए, सो डोंट वरी अबाउट दैट। दीपा इज सेइंग सर आप प्लस से अच्छा यूट्यूब पे पढ़ाते हो, थैंक यू सो मच बच्चे, आप लोगों का सपोर्ट मिलते रहना चाहिए। ठीक है बच्चे, यस सर वेरी क्लियर, ठीक है सर। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बता दूंगा बेटा अभी थोड़ी देर में, पहले आप ये देखो जो बता रहा हूं उसको एक बार देखो, क्योंकि वो ये इसके बाद ही समझ में आएगा, ठीक है बच्चे। अब देखिए जरा प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। दूसरा नाम बेटा लाइंस ऑफ फोर्स लाइंस बोला गया था इनको, ठीक है। चलिए तो आप देखो बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में, they originate from positive charge, और वो भी कैसा बेटा, normally, या आप कह सकते हो radially, या आप कह सकते हो बच्चे radially। कैसे मतलब है? मतलब radius के along बोल सकते हो, point charge ही तो बोल रहे हो आप। देखो बच्चे ये आपका प्लस क्यू चार्ज है, राइट बच्चे, ये क्या है प्लस क्यू चार्ज है। तो यहां से आपकी जो लाइंस है ना वो ऐसे करके निकल रही है, समझ में आया कि नहीं आया? रेडियस के अलोंग, तो रेडियली बोल सकते हो आप अगर ये पॉइंट चार्ज है तो, ठीक है ना बच्चे,
ऐसे करके भाई असल में क्या होता है ना, हम कैसा शो करते हैं, हम ऐसे शो करते हैं, ये प्लस है बेटा, यानी कि परपेंडिकुलर, ऐसे करके बेटा 90 डिग्री इस सरफेस के साथ बनाएगा, ऐसे करके, ये ऐसे निकला, ये ऐसे निकला, यहां से ऐसे करके, राइट बच्चे, यहां से ऐसे करके, समझ में आया, अलग अलग जगह से फील्ड लाइंस निकल रही है, फील्ड लाइंस आपकी निकल रही है बेटा, सो दे ऑलवेज ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। तो जैसा आपने ये बोला बेटा उसी के हिसाब से आपके पास एक और आएगा, दीज लाइंस या दे टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज, दे टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज बेटा, तो ये क्या करते हैं, ये नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट होते हैं, दे टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज बेटा, कैसे बच्चे, कैसे, आप देखो ये नेगेटिव चार्ज है, राइट बच्चों, आप अगर देखते हैं तो ये आपका नेगेटिव चार्ज है, और अगर आप देखते हैं बच्चे तो ये नेगेटिव चार्ज है, ये आपका टर्मिनेट हो रहे हैं रेडियली बेटा, ये टर्मिनेट हो रहे हैं, इसको जरा मैं दोबारा से ऐसे बना लूं, अगर ये रेडियस है ऐसे करके, ठीक है, इसको ऐसे, ये आपका टर्मिनेट हो रहे हैं बच्चे रेडियली, राइट बच्चे, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके, सॉरी ये बाहर निकाल दिया मैंने गलती से बाहर निकाल दिया, ऐसे और ऐसे, समझ में आया कि नहीं आया। सो ये कौन सा चार्ज था, ये आपका नेगेटिव चार्ज था। तो आपको एक चीज पता चला बेटा कि पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट हो रही है। असल में क्या है ना, इसको ना मैं पूरा एक बार दोबारा से बनाता हूं आपके लिए, इसको मैं आपके लिए एक बार दोबारा से बनाता हूं बेटा, जरा इसको पूरा तरीके से देखो, ये आपका नेगेटिव चार्ज हो गया, ये आपका नेगेटिव चार्ज हो गया, ऐसे करके बेटा, ठीक है ना यार, दोबारा से एक बार बनाते, सर्कल नहीं बन रहा, ये लो ये नेगेटिव चार्ज हो गया, ठीक है ना, और ये आपकी रेडियली टर्मिनेट हो रही है लाइंस, ऐसे करके बना लो यार, ठीक है, ऐसे करके बना लो और ऐसे करके बना लो और ऐसे करके बना लो, ठीक है, ये आपकी टर्मिनेट हो गई, ठीक है ना बच्चे, ऐसे करके, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऐसे करके, ठीक है। अब एक और चीज देखो बेटा, असल में ये तो पढ़ा दिया मैंने, आपने क्या बोला, सर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, सर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो आप सीधा सीधा कहेंगे बेटा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, आप सीधा सीधा कहेंगे सर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज द टेंजेंशियल या टेंजेंट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इज द टेंजेंट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के टेंजेंशियल डायरेक्शन, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है बच्चे, और अगर आप इसका टेंजेंट बना दोगे तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, समझ में आया कि नहीं आया बेटा। सो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ टेंजेंशियल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, समझ में आया कि नहीं आया, एक तो ये वाला कॉन्सेप्ट हो गया। खैर हमें ये चीज तो समझ में आ गई बच्चे, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे देखते हैं बेटा। अगर मैं बोलूं कि सर यहां एक पॉजिटिव चार्ज है और यहां एक नेगेटिव चार्ज है, तो बड़ी सिंपल सी बात है, पॉजिटिव से नेगेटिव तो क्या होगा, पॉजिटिव से तो ओरिजिनेट होगा और नेगेटिव पर टर्मिनेट होगा, कैसे करके भाई, पॉजिटिव से ओरिजिनेट हो रहा है और नेगेटिव से टर्मिनेट हो रहा है बेटा, पॉजिटिव से ओरिजिनेट हो रहा है और नेगेटिव से टर्मिनेट हो रहा है। आई गेस आपको समझ में आ रहा है बेटा, आई गेस आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं आपसे, राइट बच्चों, समझ में आ रहा है ना जी। तो आपको एक तो ये कौन, अच्छा इसको क्या बोलते हैं ये बाद में पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन अगर प्लस क्यू और माइनस क्यू का एक सिस्टम होता है जो आपस में कुछ दूरी से सेपरेट होता है, तो उसको अपन लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं, क्या बोलते हैं बच्चे, उसको हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। सो आपको एक कॉन्सेप्ट, एक प्रॉपर्टी याद हो गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड दे ऑलवेज टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव से ओरिजिनेट हो रहे हैं और नेगेटिव से टर्मिनेट हो रहे हैं बच्चे। तो हमने कहा ठीक बात है यार, ये सर एरो में मिस्टेक, ओके 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 ओके, सॉरी सॉरी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है भाई, ठीक है ठीक है,
एरो में मिस्टेक हो गया, बिल्कुल सही बात है। करते हैं एक मिनट जरा। हाँ ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ठीक है ठीक है। ये टर्मिनेट होगा बेटा, ये टर्मिनेट होगा और ये भी टर्मिनेट होगा, ठीक है, ये भी टर्मिनेट होगा जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। समझ में आया कि नहीं है सर? ये क्वेश्चन आज अनअकैडमी की क्विज में था, वेरी गुड बच्चे। तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब बच्चे हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। क्या कॉन्सेप्ट है बेटा हमारा? कॉन्सेप्ट ये है, एक और प्रॉपर्टी है बेटा, दैट नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैन टर्मिनेट ईच अदर, कैन टर्मिनेट, सॉरी मैं टर्मिनेट बोल रहा हूं, कैन इंटरसेक्ट ईच अदर, नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैन इंटरसेक्ट ईच अदर, कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। यू नो व्हाई बेटा? क्योंकि वो अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो उस पॉइंट पर देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच इज नॉट पॉसिबल। No two electric field lines can intersect each other because at the point of intersection there will be, yeah, there is two direction of electric field, there is two direction of electric field which is not possible, which is not possible, क्योंकि एक ही जगह पर बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन कैसे पॉसिबल हो सकती है? समझ में आया कि नहीं आया? एक ही जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन कैसे पॉसिबल हो सकती है? राइट बच्चे, ठीक है ना बेटा? तो एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। अच्छा जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो बेटा, और भी हो सकता है। अगर आप देखेंगे ये एक शीट है बेटा, ये एक पॉजिटिवली चार्ज शीट है। कैसा है बच्चे? ये एक पॉजिटिवली चार्ज शीट है। तो आपने तो थोड़ी देर पहले क्या बोला बेटा? आपने बोला कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव, राइट बच्चे? ठीक है ना बेटा? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो ये आपका हो गया ऐसे करके, राइट बच्चे? पॉजिटिव से इस डायरेक्शन में इस साइड, ठीक है ना, इस साइड, और बेटा इधर से भी आप कह सकते हो कि यार यहां से भी आपका ओरिजिनेट होगा। समझ में आया कि नहीं आया बेटा? समझ में आया कि नहीं आया बच्चे? ठीक है, राइट बच्चे? पॉजिटिव चार्ज शीट के केस में अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकालनी हो तो यहां लिख सकते हो। चलो इसकी एक और प्रॉपर्टी बताता हूं आपको। क्या? इसकी एक और प्रॉपर्टी बताता हूं आपको कि क्राउडर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्राउडर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेटर इज द स्ट्रेंथ, ग्रेटर इज द स्ट्रेंथ। बेटा ये क्या मतलब है इसका? इसका क्या मतलब है बेटा? इसका मतलब यह है बच्चे कि यह आपका ऐसे करके है, राइट बच्चे? लाइंस क्या है? पास्ट पास में है। क्राउडर की जगह क्राउडेड कर दो, क्राउडर की जगह क्राउडेड कर दो, है ना, इसको क्राउडेड कर दो। क्राउडेड इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या क्राउडर आर, क्राउडेड आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ग्रेटर इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास होंगे उतना ही ज्यादा इसका स्ट्रेंथ होगा। अगर यहां बोलू ऐसे करके, ये लाइंस बहुत पास है और ये लाइंस दूर है, अगर इसको E1 बोलू और इसको E2 बोलू बेटा, तो आप कह सकते हो कि सर E1 इज ग्रेटर देन E2 बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हेयर इज मोर क्राउडेड देन हेयर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हेयर इज मोर क्राउडेड देन हेयर। समझ आया कि नहीं आया बच्चों? समझ में आया कि नहीं आया जी? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है बच्चे, तो एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। तो चलिए बच्चों थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।
थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे आपने बोला क्राउडेड, अब एक और चीज देखो, डायरेक्शन की बात बताएं, अगर कभी डायरेक्शन की बात बताएं तो आप समझ लेना बेटा, अगर कभी डायरेक्शन की बात बताएं तो आप समझ लेना, ये आपका बेटा ऐसे करके, ये क्या है, ये किसकी डायरेक्शन है बेटा, ये किसकी डायरेक्शन है, ये आपका राइट वर्ड्स हो गया, क्या राइट वर्ड, ये राइट की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। तो वही बेटा, ये किसकी डायरेक्शन हो गई, ये हो गया आपका लेफ्ट वर्ड। अगर कोई बोले कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज टुवर्ड्स लेफ्ट तो ऐसे, टुवर्ड्स राइट तो ऐसे, और अगर कोई बोले इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपवर्ड है बेटा तो ये हो गया आपका अपवर्ड का डायरेक्शन, और अगर कोई बोले कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपका डाउनवर्ड है तो ये हो गया आपका डाउनवर्ड का डायरेक्शन। लेकिन अगर कोई बोले कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है, कैसी है बेटा, इनटू द प्लेन है, यानी कि जेड एक्सिस के अलोंग, सो दिस इज योर इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, ये आपका इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है। और अगर आप यहां की बात करेंगे, यहां की बात करेंगे तो ये आपका आएगा आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, यानी कि ये क्या आएगा, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर। आई गेस आपको समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कैसे बतानी है, किस तरीके से करनी है, राइट वर्ड लेफ्ट वर्ड, अपवर्ड डाउनवर्ड, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर। समझ में आया बच्चों, आई गेस आपको समझ में आ ही गया होगा, राइट बच्चा पार्टी, ठीक है ना बच्चों। तो एक तो बच्चे ये कॉन्सेप्ट है आपका जो आप कर रहे हैं। इसी के साथ साथ यार मैं आपको एक बात कहूंगा बच्चे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा था कि आज के लेक्चर को हम थोड़ा सा कम रखेंगे, क्योंकि इसके बाद मेरी दो स्पेशल क्लासेस भी है, बट इट्स ओके बच्चे, सैटरडे संडे मैं आपको टाइम दे रहा हूंगा, ज्यादा टाइम दे रहा हूंगा बच्चे। हमारी स्पेशल क्लास जो है वो 10 से 11 आपके लिए है, 9 से 10 जो है वो 2021 वालों के लिए है। अगर आप स्पेशल क्लास में आते हो और आपसे कोई कोड मांगता है तो आपको वी के आर्मी का कोड डालना है वहां पर। यू गाइस कैन जॉइन माय स्पेशल क्लास, फ्री ऑफ कॉस्ट है यार, आ जाओ उसमें भी मजे करेंगे। तब तक के लिए बच्चा पार्टी आज के सेशन को यही पर निपटाते हैं और आपसे मुलाकात करेंगे स्पेशल क्लास में, उसके बाद कल यूट्यूब पर। तब तक के लिए बच्चा पार्टी ऑल द वेरी बेस्ट, बाय ऑल एंड यस गुड नाइट, जय हिंद बच्चों।